आवाज आ रही है तुम? आ रही है जी। मैं कहना सी कितना लग रहा है कि नूरानी चली गई है, घर खाली हो गया। हो गया जी घर खाली। मैं तो तुहानू अगे भी कहा सी ये काम ना करो कि पहला नू जाएगी, फिर वो बेटा जाएगा, फिर उदे मगर फिर वो बेटी जाए उदी तुहाडी पोती जाएगी, ते फिरते कर ते सूना हो जाएगा। कोई गल नहीं सर, हम भी चले जाएंगे, पार्टी चले जाएंगे। सारे जने हुण सानू तुसी भेजना है। अच्छा, सारे जान से प्लानिंग गया। ठीक है, चलो कोई जिस तरह हुक्म होएगा उस तरह ही होना है काम। स्क्रीन ते कुछ नजर आ रहा तुहानू शायद? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। लो जी, हितेश दा वीजा आ गया है। थैंक यू वेरी मच सर। सर पापा भी है गए, सर पापा भी बैठे ने सर कोले। हितेश दा क्या गया ते ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय का भी वीजा आ गया। ओके थैंक यू सर, बहुत जी जी। ये वीजा अज ही आया दोनों का, ते तुहानू सैड न्यूज तुहानू ये देनी सी कि दोनों ने घर खाली कर देना, उन्हें ना भी चले जाना। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ? ਹਿਤੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਜਰਾ। ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਸਕ ਰਹੂਗਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਬਸ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਸਰ ਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਮੂਹਰਤ ਤੇਕਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 2.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ।
बस उन्हों मेरे मेरे वालों दे गुड न्यूज़ के भी अपना समान का करो तैयारी तो वो भी जान की तैयारी है। आई थिंक पासपोर्ट तुम कल परसों का जमा करोगे सो विदिन 10 डेज 12 डेज थोड़े को वीजा आ जाएगा तो यू कैन गो अंदर दो हफ्ते के अंदर तुम अपना फ्लाइट दो तीन हफ्ते अराउंड 2-3 वीक्स तुम फ्लाइट ले सकते हो। ओके सर। हाँ तो मम्मी पापा का की होगा फिर? बस कोई ना सर इतने सर सर इन्ना दा भी सर तुसी करना है जी। हुन जी हुन सर तुसी करना साडा काम है जी। तो मेरे ख्याल पंजाब खाली करवा दोगे? भगवंत मान ते कह रहे हैं कि ऐसे किसी ने जान नहीं देना। मान साहब तो कह रहे हैं कि असी इहनू इत्थे ही बना देना कि लोकां नू जान नहीं, लोकी अमेरिका तो मुड़ के आके इत्थे बसन आणगे इत्थे। पर चलो एनीवे हे कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड एंड योर डॉटर एंड योर यू नो डॉटर इन लॉ प्रीटी मच एवरीबॉडी। वीजा लग गया सारा करो तैयारियां ते अज एंजॉय करो। मैं आना सी पंजाब एक्चुअली, अज मैं दस्या नु हितेश नु मैं आना सी अगले इट्स टू हेक्टिक एक्चुअली, ट्रेना भरी पई है सारी, आना जाना थोड़ा सा आई डोंट फील कंफर्टेबल। सो बाकी मैं लुधियाना जाना सी अगले मैं भी जा रहा कनाडा वापस अराउंड 2 हफ्ते बाद मैं भी जा रहा वापस। ओके सर। जान तो पहला मैं एक बार लुधियाना जाना सी किसी मिलना ते मैं सोचा कि भी तुहानू गुड न्यूज़ ता ही देंगे, मैं कहा भी टू लेट हो जाएगा, हुणे ही दे देंगे गुड न्यूज़। अच्छा नहीं नहीं सर आ तां वधिया कीता सर, वो ज्यादा लेट हो जांदा ही। हां जी बहुता लेट हो जांदा सी। सो सर तुसीं सर जदों जाओगे सर इक वारी सर जरूर दस्सियो सर लुधियाना जदों आओगे सर तुसीं। जी 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 मैं आऊँगा। मैं दस रहा हूँ उधर अपना एक सीनियर केयर है एक फैसिलिटी, उत्थे उन्होंने फादर मेरे फ्रेंड के फादर उत्थे एडमिट है, मतलब रिहायश है उन्होंने, तो उन्होंने एक बार मिलने जाना। ही इज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका तो उन्होंने उत्थे रखी रिहायश, सो एक बार उन्होंने मिलने जाना है। तो उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा भी एक दिन लिए मैं सवेरे आके सारा दिन करके शाम को वापस जाना, एक दिन रह के जाना, प्लानिंग आउट। सो देखते हैं बेटी कनेडा जा रही है, किस्मत देखो क्योंकि बेटी हाली मेरे ख्याल 3-4 साल दी है ना। हाँ जी सर 3.5 मंथ ही है सर। तुसी वो बेटी की किस्मत देखो जी, हूँ 4 साल की है, हूँ अगले साल तो कैनेडा में पढ़ाई शुरू करेगी, किंडरगार्टन करेगी, फिर पूरा स्कूलिंग करेगी, फिर यूनिवर्सिटी जाएगी, मतलब उदी एजुकेशन सारी कैनेडा होनी है हूँ तो लैके। उदी किस्मत देखो कल नू मतलब के आफ्टर 2-3 ईयर्स वो PR बनेगी, फिर सिटीजन बनेगी, उदी जिंदगी का कितना मोड़ आ गया। देखो जिधर ट्रैक होंदा ना रेलवे का, इधर डायरेक्शन कहते चंडीगढ़ की जगह अंबाले, उधर अपना अमृतसर वाल उधर ट्रैक हो गया, तो उधर कितने पहुँच गए। सो वो जाके पर कनेडा जाके वो किस तरह का उदा रंग निखरेगा, किस तरह का उसका फ्यूचर बनेगा, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्टिड टू मीट द डॉटर। मैं उन्होंने अच्छ मिलना सी क्योंकि कनेडा के बाद वो ना मैनू पहचाने की ना मेरे को टाइम होना उन्होंने मिलना। चलो फिर भी मैं दिखांगा आके तुहानू मिलांगे बरनाला आके, विल सी आई डोंट नो इस तरह आके। ठीक है जी, थैंक यू सारे नु, थैंक यू सर शिकाओ। ओके सर थैंक यू सर।